बचपन मेरा बचपन ये है बचपन की कहानी। बचपन मेरा बचपन ये है बचपन की कहानी। 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 तो कैसा लगा गाना? बहुत अच्छा। किस चीज के बारे में बात हो रही थी? बचपन। अच्छा, तो क्या क्या बोला? हम बचपन में झगड़े करते थे, कभी पैर से पप्पी छपनी हुई, कभी डांट भी खाते थे साथ में। तो आप सब भी करते हो सब शैतानी? हाँ, मारपीट हाँ। एक साथ रहते हैं, खेलते हैं। तो आप चाहते हो कि आप भी ऐसा गाना लिखो? हाँ। तो गाना लिखने के लिए लेकिन हमें चाहिए क्या क्या? गाना लिखने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है विषय, कि हम किस विषय में गाना लिखना चाहते हैं। दूसरा होता है भाव, कि आप वो गाना कैसा, हैप्पी हैप्पी लिखना चाहते हो या सैड लिखना चाहते हो, देशभक्ति वाला लिखना चाहते हो या कैसा लिखना। उसके बाद आते हैं शब्द। जब आपने निर्धारित कर लिया कि अच्छा मैं अच्छा वाला गाना लिखूंगा, तो उसके हिसाब से हम अच्छे अच्छे शब्द चुनते हैं, पॉजिटिव, खुशी वाले, हैप्पीनेस वाले, ठीक है। उसके बाद आती है शब्दों से बनाना कविता, क्योंकि हम शब्दों से गाना नहीं बना सकते ना सिर्फ, उसके लिए हमें पूरे पूरे वाक्य चाहिए। तो उन शब्दों को फिर हम वाक्य बनाते हैं। उसके बाद आती है धुन। अगर खुशी वाला गाना होगा तो बहुत अच्छी सी नाचती गाती धुन होगी, अगर दुखी वाला गाना होगा तो सैड स्लो धुन होगी। तो हम चलें, हम अपना विषय निर्धारित करें। हाँ। शब्द ढूंढें ढेर सारे। हाँ। लेट्स गो। तो अगर आपको गाना लिखना है तो आपको एक विषय चुनना है। हाँ। तो हम एक विषय कौन सा चुनेंगे? नौकरी, सपना, स्कूल, पेड़, जंगल। एक विषय चुनना है। स्कूल। स्कूल। तो आप जब हम स्कूल बोलते हैं तो आपके दिमाग में कौन कौन सी चीजें आती हैं? प्रिंसिपल, दोस्त, टीचर, मस्ती। इसमें से हर टीम को पांच शब्द चुनने, उन पांच शब्दों की एक एक लाइन बनानी है। अब लाइन बनाते वक्त हमें क्या ध्यान रखना होता है? कविता में क्या खास होता है? तो आपको पांच शब्द लेने हैं, उसकी एक एक पंक्ति लिखनी है और ध्यान रखना है कि वो कविता की तरह हो, उसका अंत जो हो लाइन का वो राइम में हो।